हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल तैयारपुर में आपका स्वागत है। फर्स्ट पार्ट में बताए गए मिट्टी में कुछ मिट्टियाँ छोड़ गए थे, तो सेकंड पार्ट में बताने जा रहा हूँ। तो इसमें चलते हैं चौथे मिट्टी के बारे में। चौथा हमारा मिट्टी कौन सा है? मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी, तो मरुस्थली के बारे में विशेषता जानेंगे मरुस्थलीय मिट्टी की। इसमें फर्स्ट विशेषता यह है कि मरुस्थलीय मिट्टी पहले कहेंगे किसे, तो जहाँ पर वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, जहाँ वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है उसे हम मरुस्थलीय मिट्टी कहेंगे। और सेकेंड विशेषता मरुस्थलीय मिट्टी की यह है कि यह मिट्टी कणदार होती है या दानेदार होती है। यह मिट्टी कैसी होती है? यह मिट्टी हमारी जो मरुस्थलीय मिट्टी होती है यह कणदार होती है। तीसरी विशेषता हमारी मरुस्थलीय मिट्टी की यह है कि हमारा जो इंडिया है, इंडिया के मरुस्थल में 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। हाँ तो दोस्तों, हम चलते हैं पांचवी मिट्टी की तरफ। हमारी पांचवी मिट्टी कौन सी है? तो पांचवी मिट्टी हमारी है क्षारी मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? क्षारी मिट्टी। अब हम लोग क्षारी मिट्टी के बारे में जानेंगे। क्षारी मिट्टी की यह विशेषता होती है इसे नमकीन मिट्टी या रेह मिट्टी के नाम से जाना जाता है। नमकीन या रेह मिट्टी के नाम से जाना जाता है। हम लोग छठी मिट्टी की तरफ चलते हैं, तो हमारी छठी मिट्टी कौन सी है? दलदली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? दलदली मिट्टी। तो हम लोग जानेंगे दलदली मिट्टी क्या होती है, इसकी क्या क्या विशेषता होती है। दलदली मिट्टी की विशेषता यह होती है कि इसमें पहली नाइट्रोजन की कमी होती है। इसमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। दलदली मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। और सेकेंड इसकी विशेषता यह है कि यहाँ पर सड़े गले स्थानों पर जैसा कि मीथेन गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो इसमें कौन सी गैस पाई जाती है? इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। मीथेन गैस जिसका केमिकल फार्मूला CH4 होता है। तीसरी विशेषता यह है इसमें फीचर प्लांट अर्थात पितृभक्षी प्लांट होता है। इसमें एक पीचर प्लांट पाया जाता है जो कि एक कीटभक्षी प्लांट है। यह कीटों का भक्षण करता है। कीटभक्षी प्लांट, इसमें फीचर प्लांट पाया जाता है जो कि एक कीटभक्षी प्लांट है। चलिए दोस्तों, हम लोग सातवीं मिट्टी देखते हैं। सातवीं मिट्टी हमारी है लाल मिट्टी। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट मिट्टी है, लाल मिट्टी। अब हम लोग जानेंगे लाल मिट्टी के बारे में। तो लाल मिट्टी की यह विशेषता है कि यह भारत में सबसे ज्यादा दूसरे स्थान पर यह भारत में सबसे ज्यादा दूसरे स्थान पर पाई जाने वाली मिट्टी है। दूसरे स्थान पाई जाने वाली भारत में दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है। कितनी पाई जाती है? यह भारत में 18% अर्थात इसका विस्तार 18% भूभाग पर है।
लाल मिट्टी की विशेषता यह होती है कि इसका निर्माण कैसे होता है। हम देखेंगे हम लोग लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो लाल मिट्टी का निर्माण हमारे सेल के टूटने से होती है। सेल के टूटने से हमारे लाल मिट्टी का निर्माण होता है। लाल मिट्टी की चौथी विशेषता होती है इसमें किस चीज की खेती की जाती है। इसमें खेती मोटे अनाज की जाती है। इसमें खेती मोटे अनाज की जाती है। मोटे अनाज में क्या क्या आएंगे? ज्वार, बाजरा, मक्का, इसकी पांचवी विशेषता क्या है? इसकी पांचवी विशेषता है लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है। लाल मिट्टी का लाल रंग जैसा कि आयरन ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। आयरन ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। चलिए दोस्तों, तो हम लोग लास्ट और अंतिम मिट्टी के बारे में, आठवीं मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं। काली मिट्टी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मिट्टी है। काली मिट्टी में पहली विशेषता है यह सबसे ज्यादा तीसरे स्थान पर पाई जाने वाली मिट्टी है। यह सबसे ज्यादा तीसरे स्थान पर पाई जाने वाली मिट्टी है। काली मिट्टी की सेकेंड विशेषता यह है इसके नाम अन्य नाम क्या क्या हैं? यह हम लोग देखेंगे। इसके अन्य नाम इसे रेगुर मिट्टी, चारनोजल मिट्टी, या कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी को किस किस नाम से जाना जाता है? रेगुर मिट्टी, चानोजर मिट्टी और कपासी मिट्टी। अब देखेंगे तीसरी विशेषता यह है यह किस राज्य में सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो यह महाराष्ट्र में सर्वाधिक पाई जाती है। यह महाराष्ट्र में सर्वाधिक पाई जाती है। यह महाराष्ट्र में सर्वाधिक पाई जाती है। इसकी चौथी विशेषता क्या है? इसका निर्माण कैसे होता है काली मिट्टी का? निर्माण ज्वालामुखी उद्गार द्वारा होता है। इसका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार द्वारा होता है। और इसमें किस तत्व की अधिकता होती है? इसमें जब ज्वालामुखी फटता है तो उसमें जो लावा निकलती है तो उसमें बेसाल्ट तत्व की मात्रा ज्यादा सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। इसमें बेसाल्ट तत्व सबसे ज्यादा इसमें बेसाल्ट तत्व सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसमें बेसाल्ट तत्व सबसे ज्यादा पाई जाती है। छठी विशेषता क्या है? इसमें नमी धारण करने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है।
नमी धारण करने की क्षमता, नमी धारण करने की क्षमता सर्वाधिक सर्वाधिक होती है। इसमें क्या होता है, नमी धारण करने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है। सातवीं विशेषता यह है, इसमें किस फसल को उगाते हैं, इसमें नगदी फसल, इसमें नगदी फसल की पैदावार सर्वाधिक होती है। जैसा कि नगदी फसल है हमारा गन्ना प्रमुख फसल है। दोस्तों अगर अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब तथा कमेंट करना ना भूलें, और इससे संबंधित कोई क्वेश्चन